रंग से भरो पिचकारी, स्नेह से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने ना कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों की होली। खबर समय जगत की टीम की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं नगरवासियों को होली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चरखारी। थाना चरखारी के अंतर्गत आने वाले गांव गुड़ा में प्रेम रानी पत्नी नंदराम उम्र 55 वर्ष को उसी के सगे जेठ रामपाल पुत्र सियाराम घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर अर्जुन नदी के किनारे दोपहर के 3 बजे कुल्हाड़ी से गला काटकर नृशंस हत्या कर दी, जिससे पूरे गांव में भय का माहौल व्याप्त हो गया। विवरण में मिली जानकारी के अनुसार प्रेम रानी नहाने के लिए घर के पास लगी अर्जुन नदी में नहाने गई हुई थी। उसी समय नदी में कुल्हाड़ी लेकर रामपाल पुत्र सियाराम उम्र 62 वर्ष आया और हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर सबसे पहले 112 पुलिस की गाड़ी पहुंची और ग्रामीणों की मदद से हत्यारे को कुल्हाड़ी सहित पकड़कर थाना चरखारी ले आई। हत्या के कारण पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार, अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार, सीओ दिनेश कुमार, कोतवाली प्रभारी अनूप कुमार दुबे, खरेला थाना प्रभारी राजू सिंह, पुलिस अधीक्षक पीआरओ देवेंद्र शुक्ला सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये थाना चरखारी के अंतर्गत गांव घुड़ा पड़ता है, वहाँ की घटना है। एक 55 वर्षीय महिला जो वहाँ का जो प्रधान है उसकी माँ है, उसका उसी के जेठ के द्वारा कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी है। पुलिस के द्वारा अभी को हिरासत में ले लिया गया है और जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम कराकर आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा कराई जा रही है। सर, कुछ अभी दत्त सामने आए निकल के, प्रथम दृष्टया क्या लगा कि किस बात हत्या हुआ? इसमें जो मृतका का बेटा जो प्रधान है हमारे, उससे भी बात हुई है। उसका कहना है कि इसका जो ये ताऊ था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उन्हीं के साथ निवास भी कर रहा था और उसकी पत्नी पहले से उसके साथ नहीं रह रही थी। तो अभी और भी कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है वो कि वो मानसिक विक्षिप्त था, इसी वजह से उसने आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी। खबर समय जगत के लिए चरखारी से ब्रजेश द्विवेदी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।